कोरोना महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन किया गया था, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है और कई उद्योगों पर तो इतनी ज़बरदस्त मार पड़ी है कि शायद आने वाले कुछ महीने उनके उदासीनता भरे रह सकते हैं। ऐसा ही एक सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिन पर मंदी की मार पड़ी है, जिसके चलते आज नई और पुरानी कार विक्रेताओं को अपने व्यापार को लेकर चिंता सता रही है। कार डीलर्स की समस्याओं को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार से कार डीलरों के लिए मांगे रखी। अध्यक्ष जी एस न्यू ने कहा कि कार इंडस्ट्री 2 वर्षों से पहले ही बुरे दौर से गुजर रही है और दूसरा इंटरेस्ट रेट टैक्स की धोरी मार कार विक्रेताओं पर पड़ रही है और अब कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान तो कार विक्रेताओं की हालत और पतली हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक तो 2 वर्ष के लिए GST पुरानी कार विक्रेताओं को छूट मिलनी चाहिए और दूसरा नई कार विक्रेताओं को 10% टैक्स में छूट मिलनी चाहिए और तीसरा RTO में ट्रांसफर को लेकर भी परेशानियां आ रही हैं, जिसके चलते कार का दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है। इंटरेस्ट रेट का जो मुद्दा है, इंटरेस्ट रेट टैक्स, उसके लिए मैं काफी टाइम से मांग करता आ रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट टैक्स खत्म होना चाहिए एक स्टेट से दूसरी टैक्स में। जब हमारा GST टैक्स एक है, भारत एक है, सरकार बोला करती थी इसके बाद कोई और टैक्स नहीं होगा, तो ये जो स्टेट टैक्स है बिल्कुल खत्म होना चाहिए। उससे हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं माननीय हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैडम निर्मला सीतारमन जी से, जो पुरानी गाड़ी है उसके ऊपर 2 साल के लिए GST खत्म किया जाए और नई गाड़ी पर 10% टैक्स कम किया जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है बहुत डाउन चल रही थी, उसकी बहुत बुरी हालत है। अगर आप उसको आगे लाना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे व्यापार को, वो जब ही आ पाएगी जब हमारी आप बातें मांगेंगे। मैंने नितिन गडकरी साहब से भी प्रार्थना करी, जो हमारे भारत सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी है, कि जो पूरे हिंदुस्तान के RTO के सर्वर डाउन है, गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो पाती, गाड़ी लेना और बेचना बहुत आसान है, जो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती उस पर फिर गलत काम होते हैं, क्राइम होता है, बम ब्लास्ट हो गया, गलत काम हो गया, किडनैपिंग हो गई। तो मैं नितिन गडकरी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गाड़ी ट्रांसफर करने का कोई जुगाड़ करें या इसको मैनुअली लिख के दें कि आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। इसलिए हमारी जो एक टीम नासिक में आज RTO गई थी, उन्होंने वहाँ के CM को लेटर लिख के भेजा कि ये हमारा मुद्दा है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग कर तुरंत समस्या सुलझाने का आग्रह किया है और साथ ही उन्होंने अपने सदस्यों को सुझाव दिए है कि वे सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अगर सदस्यों को परेशानी आती है तो वह दिल्ली मुख्य कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की बात करी है वो छोटे व्यापारियों के प्रति है। उसमें हमारे जो यूज्ड कार बेचने वाले लोग हैं कुछ, वो भी उस दायरे के अंदर आते हैं। तो मैंने उन मेंबरों से, उन लोगों से यही आग्रह किया है कि आप लोग बैंक में अप्लाई करें और आप आधार कार्ड लगाएं उसमें और अपना पहचान पत्र दें, एक एसोसिएशन की ID लगाएं, एक एसोसिएशन का अगर लेटर की जरूरत होगी तो एसोसिएशन देगी, आप लोन के लिए अप्लाई करें। मैं पूरे हिंदुस्तान को बाई रोड घूमता हूं और देखता हूं कि पूरे पिछले साल 2019 के अंदर जब मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा था, जितने शोरूम थे नई गाड़ियां बेचने वाले, उनके सारे यार्ड भरे हुए थे। वो गाड़ियां आज भी खड़ी हुई है, वो गाड़ियां जब बिकेंगी, जब ये टैक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आपके माध्यम से सरकारों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे को एक इंडस्ट्री का दर्जा भी दे। नितिन गडकरी साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे भारत सरकार के अंदर, वो हमारे को इंडस्ट्री का दर्जा देंगे तो हमारा व्यापार आगे जाके बढ़ेगा। टोटल खबरें दिल्ली से, राजेश खन्ना की रिपोर्ट।